हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरुत्तमं देव्यं सरस्तिं व्यासम् पूजय मुदीर नष्टाषु भद्रेशु निभावत सेव भगवती उत्तम के भक्ति नैष कृष्णा वासुदेवाय देवी नंदनाय नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा, सो आप सभी का आज इस प्रातकालीन भागवतम क्लास में स्वागत करते हैं तो कि हमने पिछली बार मीन्स लास्ट टाइम उसका बताया गया था शायद रिकॉर्डिंग खराब हो गया था सो so, सो <coughs> so, मैं सब कुछ तो रिकैप नहीं कर पाऊंगा आज के सेशन में बट सारांश में श्लोक संख्या 18 से लेकर श्लोक संख्या ट्वेंटी तक भीष्म पितामह भगवान का गुणगान करते हैं और वो बताते हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है इत्यादि चीजों का वर्णन किया गया है अठारवें श्लोक से लेकर चौबीस श्लोक तक उसके बाद पच्चीसवें श्लोक का वर्णन आता है जहां सूत्र गोस्वामी बताते हैं कि कैसे युधिष्ठ महाराज अब विष्णु पितामह से अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं राज धर्म क्या है वर्णाश्रम की स्थापना कैसे करनी चाहिए और स्त्री धर्म क्या है इत्यादि अलग अलग चीज सन्यासी का क्या धर्म है त्याग क्या होता है उस हर प्रकार की प्रश्नों का प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठ महाराज भीष्म पितामा से तो जब हम इस श्लोक संख्या की चर्चा कर रहे थे पच्चीसवें श्लोक की तो प्रश्न उठता है कि युधिष्ठर महाराज भगवान श्री कृष्ण युद्धिष्ठर महाराज को भीष्म पितामा जो इस समय इतनी पीड़ा की स्थिति में है वो मरने मृत की स्थिति पे खड़े हैं उनके शरीर के एक एक कोने में एक एक अंग में बाण लगा हुआ है शरीर से खून बह रहा है अब खून क्या बहेगा अब तो खून बह के निकल चुका होगा सारा यहाँ तक तो कि शरीर सूख चुका होगा पूरा उनका और इस इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण युद्धिष्ठ महाराज को प्रोत्साहित करते कि जाइए आप अपने प्रश्नों का जवाब भीष्म पितामा से मांगिए उस सम में अनेक ऋषि वर थे एक से बढ़कर एक महात्मा थे व्यासदेव थे नारद मुनि करदम भरद्वाज आपको जिन जिन ऋषि मुनियों का नाम याद है वो सब उपस्थित थे वहां पर फिर क्या क्या कारण था कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठ महाराज को बीच में से प्रश्न उत्तर के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं वैसे अगर आ, देखा जाए जब व्यक्ति का मन या शरीर दुखी होता है तो द लास्ट थिंग टू आस्क अ क्वेश्चन अरे साइड हटो मेरा दिमाग मत खराब करो, वैसे सिर दर्द कर रहा है शरीर में दर्द है अब मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो दिस इज नेचुरल पीपल डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब लीव मी अट और यहाँ पर युद्ध आज अनेक अनेक प्रश्न पूछने जा रहे हैं भीष्म पितामा से तो ऐसा भगवान ने क्यों किया उसके बारे में हमने पिछली बार वर्णन करा था इस तात्पर्य में शिला प्रूपा चार कारण लिखते हैं कौन सा तात्पर्य पच्चीसवें श्लोक का तात्पर्य जो मैंने आपको सारांश में बताया भी था और आपको होमवर्क दिया था कि वो चार कारण उसमें ढूंढिएगा किस प्रकार से उसके बाद छब्बीसवें सत्ताईसवें श्लोक में सारांश में सूत गोस्वामी भीष्म पितामा के द्वारा युधिष्ट के सभी प्रश्नों के जवाब को सारांश में छब्बीस और सत्ताईसवें श्लोक में बता दिया है क्योंकि भागवतम का यहाँ पे उद्देश्य पुरुषार्थ का वर्णन करना नहीं है भागवतम का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण और भगवान के भक्तों का गुणगान करना तो इसलिए ज्यादा उस पर गोस्वामी जोर नहीं देते हैं और छब्बीसवें श्लोक में छब्बीस और, और सत्ताईसवें श्लोक में सारांश में वर्णाश्रम का वर्णन किया गया है तो ट्वेंटी सिक्स श्लोक में वर्ण क्या है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनका धर्म उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज क्या है उसका वर्णन किया गया है और सत्ताइसवें श्लोक में आश्रम जो चार आश्रम होते हैं ब्रह्मचारी ग्रहस्थ वानप्रस्थ संस आश्रम उनके नियम क्या होते हैं उनका धर्म क्या होता है उसका वर्णन किया गया है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है कृपा करके जरूर पढ़िएगा अगर आप लोग ने पिछला सत्र या जो पिछला डिस्कशन था वो मिस किया था तो गृहस्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी गृहस्थ के जो मेन फंक्शन है प्रपा तात्पर्य की शुरुआत में ही लिखते हैं वो है चैरिटी देना और ब्रह्मचारी का धर्म है तपस्या करना और शास्त्र का अध्ययन करना और दूसरों को सिखाना साथ साथ ही श्लोक में मोक्ष धर्म क्या है स्त्री धर्म क्या है भगवत धर्म क्या है इत्यादि प्रकारों के प्रश्न युधिष्ठिर महाराज के द्वारा जो पूछे गए थे उसका सारांश में जो भीष्म पितामा ने उत्तर दिया उसका यहाँ पर सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं सुत गोस्वामी ने तो के उत्तर का वर्णन नहीं किया ये बताया कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पे भीष्मितामा ने युधिष्टर महाराज को जवाब दिया और शिला अपने तात्पर्य में उसका वर्णन करते हैं सारांश में सो so, हमने लास्ट टाइम स्त्री धर्म के ऊपर चर्चा करी थी और उसके ऊपर आप लोगों के कुछ प्रश्न थे वी uh, हैव सेशन सो स्त्री धर्म उसके बाद भगवत धर्म के बारे में भी वर्णन किया गया था और अब अट्ठाईसवें श्लोक से हम आज का जो सत्र है उसमें वर्णन करेंगे जो आज के इस आ, आ, सेशन में या प्रोग्राम में या सत्र के इसमें हम देखेंगे कि कैसे नाव भीष्म पितामह युधिष्ठ महा महार से जब प्रश्न उत्तर हो रहा था संवाद हो रहा था उस समय भीष्म पितामह देखते हैं कि कैसे सूर्य की स्थिति बिल्कुल उपयुक्त हो गई है जहां पे वो अब अपना शरीर त्याग सकते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता के आठवें अध्याय के आखिरी श्लोकों में बताते हैं श्लोक संख्या तेईस से लेकर जहाँ तक मुझे ध्यान है बताते हैं कि कैसे अलग अलग काल में अगर व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है तो उसको किस प्रकार की अलग परिस्थिति या अलग डेस्टिनेशन प्राप्त होती है तो विष्व पितामा देखते हैं कि कैसे सूर्य सही परिस्थिति में सही स्थिति में आ चुके हैं तो वह बोलना बंद कर देते हैं और अब अपना ध्यान वो भगवान पर केंद्रित करते हैं। और आगे वर्णन आता है बहुत खूबसूरत बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन का डिस्कशन नहीं अः जहाँ पे भीष्म पितामा भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करते हैं बहुत खूबसूरत प्रेयर्स हैं और उसके बाद प्रेयर्स बोलते बोलते पितामह भगवान के दर्शन लेते हुए भगवान का गुणगान करते हुए भाग्यशाली पितामह अपने प्राण त्याग देते हैं और इस प्रकार ये अध्याय समाप्त होता है कि कैसे जब भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करते हुए और उनका गुणगान करते हुए उनसे प्रार्थनाएं करते हुए अपना शरीर त्याग देते हैं तो कैसे स्वर्ग से पुष्प अभिषेक होता है भीष्म पितामा का सभी देवी देवता गंधर्व स्वर्ग में आकर अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से उनका उनका जो अंतिम संस्कार या उन्होंने जो शरीर त्यागा है उसका आदर सम्मान करते हैं और कैसे वहाँ पे उपस्थित जितने भी ऋषि मुनिवर होते हैं उनके ग्लोरीफिकेशंस में अलग अलग श्लोकों को प्रस्तुति करते हैं इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है तो इस चैप्टर में जो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं उसमें यही बताया गया है कि कैसे व्यक्ति को अपना जीवन त्यागना चाहिए और अगर हमें भीष्म पितामा की तरह अपने जीवन को सफल करना है सफलता कैसे अंत काले चमाम स्मरण मुक्त कलेवरम भगवान को याद करते हुए अपने जीवन को त्यागना है तो उसके लिए हमें आज से तैयारी करनी पड़ेगी और हमें आज से कल्टीवेट करना पड़ेगा कृष्णा हमें आज से भगवान को याद करने के लिए स्मरण स्मरण तब होता है जब श्रवण होता है जब सुनना शुरू करते हैं तो फिर भगवान का याद आना शुरू होता है तो आज से हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि हम आगे जाकर जब भी हमारे पे ऐसी परिस्थिति आए इंग्लिश में कहा जाता है डेथ इज एनेविटेबल मृत्यु तो सबको ही आनी है आपको प्रमोशन आए ना आए आपकी शादी हो ना हो आपका बच्चा विदेश जाए ना जाए पर एक चीज तो जरूर होगी मृत्यु के दर्शन सबके होंगे आप उससे कोई भी नहीं बच सकता तो उसकी तैयारी करना बहुत आवश्यक है तो उस चीज का उल्लेख अब आगे के अध्याय में है और अब कल शरद पूर्णिमा का दिन है और उसके अगले दिन मतलब रविवार को कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है और कार्तिक के महीने के शुरू में हमें भीष्म पितामह के द्वारा बोली गई प्रार्थना और भीष्म पितामह के उदाहरण को देखने और पढ़ने का मौका मिल रहा है ए, मैं समझता हूँ एटलीस्ट मेरा तो बहुत ही भाग्य है या भाग्यशाली है कि हम श्रीमद भागवतों के इस पर्टिकुलर चैप्टर से वर्णन कर रहे हैं जो कार्तिक महीने के शुरू होने से पहले ही हमें एक प्रकार से सतर्क करता है और हमें सही चेतना देता है कि कैसे कार्तिक महीने में हम सबको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए वावज लेने चाहिए कि कैसे इस आने वाले कार्तिक महीने में जो श्री राधिका माता राधा रानी को सबसे प्रिय है और शास्त्र में बताया गया कि कोई इस कार्तिक महीने में भक्ति करता है जो भगवान का नाम जप ना करें भगवान का नाम जप करता है चाहे दो माला ही क्यों ना करता है उसको अनेक अनेक माला करने का भगवान के नाम लेने का एक फल प्राप्त होता है सो दिस इज द मंथ ऑफ कार्तिक जहाँ पे व्यक्ति अपनी अधिकतर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकता है और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने से क्या होगा उतना ही हम भगवान को याद कर पाएंगे अगर हम पर आगे जाकर जब भी भीष्म पितामह जैसी परिस्थिति आएगी तो उसके लिए कार्तिक महीना सबसे लाभदायक है अधिक से अधिक अपना क्रेडिट बनाने के लिए। सो so, स्परिचुअल श्लोक से वर्णन करते हैं यहां पे बताया गया है अट्ठाईसवें श्लोक एज अ कंक्लूडिंग पार्ट अब उन्नत ट्वेंटी नाइन श्लोक से वर्णन करते हैं धर्मम प्रवात सा प्रत्युपस्थिता यो योगी नंद्र मृत्यु वाची तो यहाँ बताया गया है कि जैसे ही सूर्य उत्तरायणा की डायरेक्शन या उसमें उत्तरायण में पहुंचा तो भीष्म पितामा ने बोलना बंद कर दिया क्योंकि अब सही समय हो गया है अपने प्राण त्यागने के लिए टेक्स्ट नंबर थर्टी जहाँ पे सुत गोस्वामी भीष्म पितामा का गुणगान करते हैं और बताते हैं कि वॉट अ ग्लोरियस एग्जाम्पल वो भीष्म जिन्होंने तो यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया है देर अपॉन दैट मैन स्पोकेंट सब्जेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ऑन थाउजेंड्स ऑफ बैटल फील्ड एंड प्रोटेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ मैन स्टॉप स्पीकिंग एंड बींग कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज उन्होंने अपना मन सभी अनेक प्रकार जो है, है, कर, के जो विषय हैं सब्जेक्ट्स हैं उससे हटाकर वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण जो भीष्म पितामा के सामने इस समय खड़े हुए हैं और इस प्रकार से सूत्र गोस्वाई बताते हैं कि वो भीष्म पितामह जिन्होंने आजीवन क्योंकि एक प्रकार से राजा कह सकते हैं क्षत्रिय थे और ने उस प्रकार से उन्होंने अपना धर्म निभाया और एक एडमिनिस्ट्रेटर थे तो जन कल्याण के लिए उनको अनेक अनेक चिंताओं का सामना करना पड़ता था yes or no? एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको जन समुदाय का कल्याण करना है तो अनेक अनेक विषयों के ऊपर चर्चा करना पड़ता है स्मरण करना पड़ता है कितनी सारी एग्जाइटीज होती हैं और अब भीष्म पितामह उन सब से अपने मन को बाहर निकालते हुए भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करते हैं और सुत गोस्वामी कहते हैं क्या उदाहरण है ये व्यक्ति जिसने अपना पूरा का पूरा जीवन जन कल्याण दूसरों के कल्याण और सेवा करने में लगा दिया आज भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति की आंखों के सामने खड़े हैं तो प्रोपात बताते हैं तात्पर्य में द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ सब्जेक्ट मैटर विच अट्रैक्ट द डाइंग मैन becomes the beginning of next life. Therefore, if one is absorbed in thoughts of the supreme Lord, he is sure to go back to Godhead without any doubt. और अब इश्लोक का जो आखरी पैराग्राफ है, उसमें और वर्णन करते हैं। Anyone has Hindi भागवतम here? All right. So, Shri Bhishma Dev attained the perfection of quitting his body at will. and was fortunate enough to have lord krishna the object of his attention personally present at the time of death he therefore fixed his open eyes upon him he wanted to see krishna for a long time out of his spontaneous love for him because he was a pure devotee he had very little to do with the detailed performance of yogic principles simple bhakti yoga is enough to bring about perfection

के प्रति प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं तो इस प्रकार यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के पेजेस में आ, जो भगवद गीता के अंत काल आठवें अध्याय में बताया गया कि कैसे कोई व्यक्ति अगर मुझे भगवान कहते हैं मुझे याद करते हुए ध्यान करते हुए अपना प्राण त्यागता है स्मरण मुक्त व कलेवरम तो उस व्यक्ति को कभी इस भौतिक दुनिया में जन्म नहीं लेना पड़ता वी आर रीडिंग एन एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्सनैलिटी जिसने भगवान को याद करते हुए अपने प्राण त्यागे तो मेरा प्रश्न आपसे बनता है क्या कोई और उदाहरण है जिन्होंने भीष्म पितामा की जैसे अपना जीवन में सफलता प्राप्त करी हो और प्राण त्यागते समय उनके सामने या तो भगवान या भगवान का गुणगान हो रहा हो या भगवान की लीला स्मरण करते हुए अपने प्राण त्यागे हों एनी एग्जाम्पल यस संत तुकाराम तो प्राणी ही नहीं थे, तो थे नहीं। <laughs> कौन है जिन्होंने भीष्म की तरह प्राण त्यागे भगवान की लीला स्मरण करते हुए जटायु 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 तो जटा so, हमारे प्रभु जो किचन में कुकिंग कर रहे हैं हम लोगों से अधिक सतर्क है आप लोग बैठकर भी कहीं और हैं वो खड़े होकर भी सुन रहे हैं एनी वन फ्रॉम आकाशवाणी कोई आकाशवाणी से प्रभुपाल, शेला प्रभुपाल ये स्पीकर चल नहीं रहा हाँ ओह अच्छा 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 ओके 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 आरेक्स वी हैव टू टेल पीपल ना ओके आई डोंट नो व्हाट योर सिस्टम इज हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर येस हजामिल हजामिल हाउ हजामिल ओके ही वेंट बैक टू गॉड हेड ठीक है और क्या है या परिषद महाराज परिषद महाराज इस कौन से कोई एग्जाम्पल गौर कौन कह रहे नाम बोलो ना, ना तुम्हें तो पता यस गौर गोविंद महाराज और कोई इस कौन से यस yes, हो ऑलरेडी बोल दिया भक्ति तीर्थ महाराज यू नो सो लाइक दैट वी हैव मेनी एग्जाम्पल ग्लोरियस डिपार्चर्स वाइल रिमेम्बरिंग लॉर्ड सब टेक्स्ट नंबर थर्टी टू से वर्णन करते हैं जहां पे भीष्म पितामा अब करते हैं टेक्स्ट नंबर थर्टी टू श्री उपकल्पिता वृत्ना भगवती सात्वतपी स्वुखम उपगते कवचित विहर यद भाव प्रभा तो यहाँ पे भीष्म पितामा कहते हैं इति मतीर मेरी बुद्धि उपकल्पिता अब आप में लग जाए वित्ष्ना, वित्ष्ना मतलब फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रेक्शन में लग जाए इति इतिमतीर उपकल्पिता किस में मेरी मतीर मतलब थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग जो मन के तीन एक्टिविटीज होती है वो किस में लग जाए भगवती भगवान में दूसरा सात्वत पुंगवे सात्वता पुंगवे पुंग मीन्स जो भक्तों का लीडर है विभुमनी अन टू द ग्रेट स्वसुखम जो हमेशा खुश रहता है ये किसका वर्णन कर रहे हैं भगवान का उपगते कवचित विहुतम और वो अपनी कृपा अपनी मर्सी के कारण प्रकृतिम उपेशी यद भाव प्रवाह और वो आज मेरे अंतिम समय में अपने कृपा के कारण मेरे को अपने दर्शन मुझे अपने दर्शन देने के लिए आए हैं इस प्रकार भीष्म पितामह अपनी प्रार्थना का कर शुरुआत करते हैं कि हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरा मन अब आप में केंद्रित हो जाए और आप कितने दयालु हैं कि आप मेरे इस अंतिम समय में यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं खड़े हुए हैं And another point, not only this, uh, sorry, मेरे सामने उपस्थित का वर्णन नहीं है यहाँ पे बताया गया प्रकृतिम उपयुषी जिसका मतलब है कि प्रभु आप इस दुनिया में अवतरित होते हैं sorry, correct thing. <coughs> यद भवा प्रवाह आप इस दुनिया में अवतरित होते हैं या दुनिया में अवतरित होने का वर्णन किया गया है थ्रू योर कॉजलेस मर्सी एंड क्यों अवतरित होते हैं टू गिव प्लेजर टू द डिवोटीज तो शिला प्रभुपात तात्पर्य के अंत में लिखते हैं ये चौथी या पांचवी लास्ट लाइन है जहां प्रभुपात लिखते हैं द लॉर्ड ऑल्सो डिजायर एसोसिएशन ऑफ इज प्योर डिवोटीज और उन्हीं का संग प्राप्त करने के लिए इसलिए भगवान इस धरती पे अवतरित होते हैं उनको सुख प्रदान करने के लिए अब तैतीसवें श्लोक में बीच बताऊ भगवान की विग्रह उनके फॉर्म का वर्णन करते हैं उसको ग्लोरीफाई करते हैं जब भगवान के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं तमाल वर्णम रविकर कर गौरवर अंबरम धदानी वपूर जम विजया सखे तो कुछ शब्दों का हम उल्लेख करेंगे विजया सखे सबसे पहले तो यहाँ भीष्म पितामा कहते हैं कृष्ण को विजया सखे कृष्ण को वो जब डायरेक्ट संबोधित नहीं करते वो विजया सखे कह रहे हैं विजय सखे मीन ही फ्रेंड ऑफ अर्जुना द वन हु इज अ फ्रेंड ऑफ अर्जुना करके संबोधित करते हैं और यहाँ पे भगवान के जिस रूप का वर्णन किया गया है जैसे बताया गया है कि इन बॉडी तमाल तमाल मतलब उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है ब्लूइश लाइक तमाल ट्री और हिज बॉडी अट्रैक्ट थ्रिभुवना कमनम हिज बॉडी अट्रैक्ट एवरी वन इन द्री प्लेनेटरी सिस्टम रवि कर गौरवर रवि कर्म रवि मतलब सूर्य सूर्य की किरणें पड़ने के कारण उनका शरीर चमचमा रहा है और गौरवर अंबरम अंबरम का मतलब होता है ग्लिटरिंग वा, ग्लिटरिंग ड्रेस क्योंकि उन्होंने येलो कलर की धोती पहनी हुई है उनका गोल्डन कॉम्प्लेक्शन गौरवर सूर्य की किरणों के कारण नजर आ रहा है एंड वपूर अलक व्रत आनाबज जिसका मतलब है अनान उनके लोटस लाइक फेस अलग कुल आवृत हिज लोटस लाइक फेस इज डेकोरेटेड विद सैंडलवुड पेस्ट एंड फिर अंत में कहते हैं प्रभु विजय सखे रत में अनुदया मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी मति आप में लगे तो इस प्रकार से यहाँ पर विष्णु भगवान की फॉर्म का उल्लेख करते हैं कौन सी फॉर्म का उल्लेख कर रहे हैं इस समय जहाँ बताया गया है कि प्रभु आपका शरीर सूर्य के किरणों में चमचमा रहा है तमल ट्री जैसा आपका कॉम्प्लेक्शन है आपके आ, आ, आ आपके लोटस लाइक -like फेस और खूबसूरत सैंडलवुड फेस का डेकोरेशन है ये कौन सी फॉर्म का डिस्क्रिप्शन हो रहा है इस समय भीष्म पितामा भगवान श्री कृष्ण को विजया सखे कहा है मतलब भगवान श्री कृष्ण इस समय जो युद्ध में खड़े भगवान श्री कृष्ण थे उस फॉर्म का वर्णन हो रहा है इसलिए भगवान श्री कृष्ण को विजया सखे के और उससे संबोधित किया गया है टेक्स्ट नंबर और अब आगे विषम पितामह बैटल को याद करते हुए और आगे वर्णन करते हैं कि क्या चल रहा था मतलब बैटल फील्ड के सीन को याद करते हैं उसका वर्णन करते हैं जब बताते हैं यहाँ पे तीन चीज बताई गई हैं ऑन द बैटल फील्ड यहाँ पे वर्णन करते हैं विष्णु पितामह की कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बचाने के लिए यू you नो know, अर्जुन को बचाने के लिए नहीं अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण पार्थ सार्थी हो जाते हैं अर्जुन के सारथी बन जाते हैं और युद्ध में इस प्रकार भाग लेते हैं और फिर उस युद्ध में भाग लेने वाले भगवान श्री कृष्ण के फॉर्म का वर्णन करते हैं कि कैसे ऑन द बैटल फील्ड द हेयर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण टर्न एन ड्यू टू द हूफ्स ऑफ द एंड बिकॉज़ ऑफ़ हिज लेबर भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर पसीना था एंड बिकॉज ही वॉज अ चैरिटियर और उस प्रकार युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने भाग लिया था तो सबसे पहला दुश्मन बाण किस पे चलाता है सारथी पर कि सारथी एक बार मारा गया तो रथ पे बैठा हुआ व्यक्ति को आसानी से सामना किया जाता है तो इस प्रकार से विष्णु पितामा कहते हैं ऑल दीज डेकोरेशन वर इंटेंसिफाइड बाय द ऑन द बॉडी ऑफ द लॉर्ड डन बाय माई एरो पे थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन आता है सोचिए भगवान श्री श्री, श्री कृष्ण के शरीर में जखम हुआ है आगे तो विष्णु चक्रवर्ती वर्णन करते हैं जब भगवान श्री कृष्ण पहिया उठाकर विष्णु पितामा की तरफ दौड़ते हैं तो उस, उस रूप का वर्णन करते हुए विष्णु चक्रवर्ती आपको कहते हैं वो रूप ऐसा था जैसे हिमालय पर्वत पे लावा विस्फोट हुआ हो वॉलकैनो विस्फोट हुआ हो और सारा का सारा लावा जब पर्वत पर आता तो कैसा लगता है बादल काले हो जाते हैं तो सारा अंधेरा हो जाता है अंधेरे का रिफर है भगवान श्री कृष्ण के रूप को और उस पे चमचमाता हुआ लाल कलर का लावा है उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के शरीर पे जब खून निकला हुआ था तो उस प्रकार से खूबसूरती का वर्णन करते हैं भीष्म पिता और कहते हैं विष्णु चक्र को उसमें इलेबरेट करते हैं तो प्रश्न ये बनता है पहली चीज भगवान श्री कृष्ण का बार बार वर्णन किया गया है ट्रांसजेंटल

भगवान पे बाण चला रहा है और यहाँ पे उल्लेख किया गया कि वो भक्त है हरकत तो अभक्त जैसी है ना ये सुनो बिहेवियर तो अभक्त जैसा है नास्तिक लोग भगवान को गाली देते हैं हम उनको हम उनको इतनी गालियां देते हैं क्योंकि वो गाली देते हैं भगवान को हाँ ना विद नाइट्रपत एंड विद्यू लाइक दैट So, यहाँ पर भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के शरीर को भेद रहे हैं अपने बाणों से और भक्त कह रहे हैं भीष्म पितामह आपसे परम परम भक्त को ही नहीं है कॉन्ट्रडिक्ट्री और नॉट तो प्रौपदा के तात्पर्य में लिखते हैं तो जो नास्तिक लोग होते हैं उनको ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ नहीं आता क्या कॉन्ट्रडिक्शन भगवान का शरीर भौतिक चीजों का नहीं बना है तो खून कैसे निकल रहा है चोट कैसे लग रही है चोट लगने का मतलब ही क्या है क्योंकि जो बाण छोड़े गए हैं वो तो मैटेरियल हैं एक मेटेरियल चीज अध्यात्मिक चीज को कैसे भेद सकती है सवाल ही नहीं उठता आत्मा इज स्पिरिट स्पिरिचुअल उसमें भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में कह देते हैं ना जला सकते हो ना बुझा सकते हो ना काट सकते हो ना धो सकते हो कुछ भी नहीं कर सकते तो भगवान श्री कृष्ण का शरीर सचित आनंद बताया गया स्वरूप उस शरीर में उपस्थित होते हैं तो कैसे उनके शरीर में चोट आई तो उसका आगे वर्णन किया गया है बट ये प्रकार की दो इस पास कॉन्ट्रेडिक्शन में आती हैं और जो लोग नास्तिक होते हैं वो इन चीजों को सुनकर समझ कर बोलते हैं कि हाँ देखो कृष्ण भगवान नहीं है सब ये काल्पनिक कथाएं हैं तो आगे वर्णन आता है तो तात्पर्य में लिखता है कि इस प्रकार तात्पर्य में लिखते हैं आगे थर्ड पैराग्राफ छोटा सा पैराग्राफ है देष्म देव पीएस कृष्णा इज अट ऑफ अडिंग पास टाइम फॉर द नॉन डिवोटिंग एथिस्ट बट जो भक्त है दे नॉट एट ऑल बिविल्डर क्योंकि उनको पता है भगवान के संग you know, अलग अलग प्रकार के रस होते हैं जिस प्रकार भीष्म पितामह भगवान से युद्ध कर रहे हैं और यहाँ बताया गया कि भगवान को बड़ा आनंद आया है कोई और उदाहरण है जहां भगवान और उनके भक्त के बीच में कुश्ती हुई हो, रेसलिंग मैच हुआ हो और वो भगवान की इच्छा ही थी और वो भगवान को आनंद प्राप्त हुआ और भगवान ने उसको भी पीटा खुद भी मार खाई फिर बाद में उस व्यक्ति को वरदान भी दिया कौन है ऐसा उदाहरण आता नहीं आता है अभी तो हम बीच में दाम वर्णन हैं तो थोड़े और एग्जाम्पल सुनेंगे तो क्लियर होगा या सुनो एनी एग्जाम्पल एनी वो हरे कृष्णा एनीथिंग बोलो ना भाई क्यों शर्मा रहे हो स्वाति माताजी सिंह कंस कंस नो नो ही वाज नॉट अ डिवोटी कंस नहीं नहीं नॉट करेक्ट मेदानी माताजी यस जाम्बावान जाम्बावान वाज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड और 28 दिनों तक भगवान ने उसके संग युद्ध किया और उससे बाद भगवान श्री कृष्ण अगर भगवान श्री कृष्ण जैसे कमसा कमसा कदम कितने दिन युद्ध करा भगवान ने क्वेश्चन टू मदर स्वाति हाउ मेनी डेज लॉर्ड श्री कृष्ण हाउ मेनी आर्स हाउ मेनी मिनट्स हार्डली मिनट कूदी लगाई भगवान श्री कृष्ण ने उसके कॉलर से पकड़ के उसको सिंहासन के नीचे खींचा और दो कान के नीचे लगाए और पहले पहले झापे में चला गया वो दूसरा झापा तो क्योंकि भगवान क्रोधित है तो दूसरा झापा एक, एक एक्स्ट्रा लगा दिया वो पहले झापा में चला गया तो जो दुश्मन है जो द्वेषी है उसके संग भगवान इस प्रकार से आ, पास टाइम नहीं रचते उसका तो वहीं पे वध कर दिया तो यस सो भगवान श्री कृष्ण सोत्र हैं सभी प्रकार के इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स के लिए तो वीर रस नाम का एक रस होता है जब भगवान श्री कृष्ण जब उनका यू नो युद्ध करने का इच्छा होती है तो अपने भक्तों को इस प्रकार से उकसाते हैं कि भक्त भग भगवान के संग युद्ध करें और उस समय भक्त तो भूल जाते हैं कि भगवान भगवान है मैं तुम युद्ध कैसे करोगे सवाल ही नहीं उठते युद्ध करने का क्या कभी हनुमान जी राम जी के संग कुश्ती कर सकते हैं हाँ या ना सोचो जरा कभी नहीं कर सकते हैं कभी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं? बोले प्रभु जी मैं डूब जाऊंगा पानी में लड़ाई नहीं करूंगा आपके संग पर हनुमान जी कब कर सकते हैं जब राम जी किसी और का वेश ले या हनुमान जी को भुला दे कि मैं कौन हूं तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जय और विजय को यहाँ पर इस धरती पर भी भेजा जो लीला तीसरे स्कंद में आती है यहाँ हिरण्य काश्यपुर फिर रावण एंड कुंभकर्ण एंड थर्ड लाइफ थिशुपा, दंत वक्र उस प्रकार से भगवान ने इनके संग युद्ध करके वीर रस का स्वाद लिया थर्टी श्लोक में फिर भीष्म पितामह वर्णन करते हैं युद्ध की शुरुआत का युद्ध की शुरुआत का याद करते हुए बोलते हैं हे प्रभु और यहाँ पे भीष्म पितामह कृष्ण को पार्थ सारथी और पार्थ सखे के, के संबोधित करते हैं पार्थ सखे मतलब जो पार्थ सारथी का मित्र और जो सारथी बना हो नो उस प्रकार से पार्थ सखे कहते हैं हे प्रभु आपने अर्जुन का रथ संभाला सखी वचो निशम्य मध्य सखी वचो सखी वचो मीनस अपने सखे के कहने पर आप उसका रथ निशम्य मध्य मध्य मीन्स दो सेनाओं के मध्य में लेकर पहुंचते हैं क्या करने के लिए क्योंकि अर्जुन कुछ देखना चाहते थे निज परयो बल यो रथम निवेश क्योंकि अर्जुन देखना चाहते थे कि उस युद्ध में कौन कौन अः इकट्ठा हुआ है असंबल को क्या कहेंगे युद्ध में मिलने जुलने के लिए आए हैं हरे <laughs> <laughs> कृष्णा सीतावती पर सैनिक सैनिक का और अक्षण हम तो यहाँ पे विष्णु पिता बताते हैं हे प्रभु आपने अर्जुन का सारथी बन के उसका रथ तो ले गए उसकी आज्ञा का पालन करते हुए और जैसे ही आपकी नजरें सबके ऊपर पड़ी वैसे ही सबकी आयु खम हो गई खत्म हो गई और ऐसे पार्थ सके पर रतर मैं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं इस प्रकार से यहाँ पे अः विष्णु पितामा भगवान को याद कर रहे हैं और फिर बताते हैं कि कैसे अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों को देखा तो कैसे वो विमुख कैसे वो बिबिल्डर हो गए और उसकी उन विविधा को समाप्त करने के लिए फिर आपने गीता का पाठ दिया हे प्रभु चरण परमस परमस्य तु मैं आपके चरण का शरण लेता हूँ आई टेक शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट इस प्रकार से छत्तीसवें श्लोक में वर्णन करते हैं और फिर सैतीसवें श्लोक में वर्णन आता है युद्ध के नौवे दिन का युद्ध के नौवे दिन क्या स्पेशल हुआ था वट इज स्पेशल थिंग ऑन द डे ऑफ बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र कृष्णा ब्रोक ब्रोक वाव वाव एंड कृष्णा कृष्ण भीषमा ने वाव लिया था कि मैं आज पांडवों को वध करूंगा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वाव तोड़ा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसका भीष्म पितामा का वाव तोड़ा तो भीष्म पितामा ने भगवान श्री कृष्ण का वाव तोड़ा उनको विवश कर दिया अस्त्र उठाने के लिए उस प्रकार से एंड द द डे डे तो यहां पे उस चीज़ का वर्णन आता है कि कैसे नौवे दिन पे भगवान श्री कृष्ण यू नो उन्होंने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपना दिया हुआ वचन को तोड़ दिया और किस प्रकार वो जो टूटा हुआ रथ था अर्जुन का उसका पहिया निकाल कर मेरी तरफ भागते हुए आए जैसे एक शेर हाथी के तरफ दौड़ता है उसको मारने के लिए उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इतने क्रोधित थे और मुझे मारने के लिए दौड़े उस चीज को याद करते हुए कहते हैं मैं आपकी शरण लेता हूं ये भी कॉन्ट्रोडिक्टी है कोई आपको मारने के लिए दौड़ रहा है और आप कहते हैं मैं आपकी शरण लेता हूँ दिस एक्सप्लेन द रसा वॉट इज गोइंग ऑन द इन स्टोरी जैसे कहते हैं और फिर अड़तीसवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामा की तरफ दौड़ रहे हैं तो उस समय उस दृश्य का वर्णन करते हैं कि कैसे हे प्रभु आपका ऊपरी वस्त्र हवा में उड़ रहा है आपके शरीर से खून बह रहा है जो जो मेरे बाणों के के द्वारा द्वारा लगा हुआ के द्वारा आपके शरीर से जो खून निकला है आपके बाल हवा में हिल रहे हैं आपके चेहरे पे पसीना है और क्योंकि युद्ध जो रथ चलता है तो जो धूली उड़ती है उसके कारण आपका शरीर उस धूली से ढका हुआ है आप जैसे इसी श्लोक में विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं अपनी टिप्पणी में और भगवान का उस समय शरीर ऐसा लगता है जैसे कहीं हुआ हो पर्वत पर और अब वो पर्वत आ, लावा से गिर गया हो तो उस प्रकार से खूबसूरती का वर्णन करते हैं और कहते हैं सा भवतु में भगवान गतिर मुकुंदा हे मुकुंद मैं आपकी चरणों की, की शरण लेता हूँ आई वॉन्ट टेक शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट इस प्रकार से शिलाात तात्पर्य में वीर रस क्या है तो उसका वर्णन करते हैं तो जो दो कॉन्ट्रोडिक्शन है कि स्पिरिचुअल बॉडी कैसे आ, में आ, चोट लग सकती है और कैसे शुद्ध भक्त भगवान का भक्त से युद्ध कर सकता है उसका उत्तर क्या है भगवान की इच्छा थी वीर रस और भगवान के शरीर में चोट कैसे लगी वो तो सिर्फ इस रस को अब सोचो आप रस मतलब तो युद्ध लड़ने जा रहे हो आप युद्ध लड़ रहे हो और सामने वाले को चोट ना आए तो आप क्या युद्ध लड़ोगे निराश होगे गए नहीं होगी हाँ या ना और यहाँ बीच में पितामा भगवान श्री कृष्ण के शरीर पे बाण छोड़ते हैं और कृष्ण के शरीर से बाण आरम पार हो जाए तो बीच में बाढ़ छोड़ेगा तो सब बोलेगा टाइम वेस्ट है तो वीरस का मतलब ही क्या हुआ वीर रस का मतलब क्या है ऐसी स्थिति इकट्ठा कर दो ऐसी स्थिति बना दो कि सामने वाला जो युद्ध कर रहा है वो भूल जाए कि वो युद्ध किससे कर रहा है वो भगवान ना समझे वो समझे कि साधारण आदमी है तभी तो उत्साह आएगा युद्ध करने में अगर जाम भवान जब जा भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था अगर पहले दिन ही पता चल जाता ये ये मेरे है तो क्या युद्ध लड़ता नहीं, नहीं लड़ता दिन तक युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद जब उसको समझ आए कि भैया मेरी क्षमताहीन हो चुकी है मुझे तो वरदान मिला कि मेरी क्षमता खत्म नहीं हो सकती और ये मनुष्य इतना मैंने इसको मारा इसकी क्षमता कहीं खत्म नहीं हुई इसका मतलब एक ही है क्या ये भगवान ही है कोई और साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते सोचो पे कूद, और उनके शरीर से निकल जाता। तो कूद के जब उठता तो दोबारा नहीं मुड़ता वहीं से भाग जाता <laughs> युद्ध कैसे लड़ रहा हूं एक प्रकार से भूत हो गया रहा? भूत को क्या मारोगे तो वीर रस का मतलब क्या तो वीर रस को उस प्रकार से एक्साइटिंग बनाने के लिए क्रोध लाने के लिए यू नो जिससे युद्ध लड़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार की लीला रची जाती है इसलिए भगवान श्री कृष्ण के स्पिरिचुअल बॉडी से खून बह रहा था ना क्या बहुत बड़ी बात है भगवान के शरीर से खून बह रहा था इसमें कुछ समझने में क्या कठिनाई है वो भगवान जो इस सृष्टि के करता धरता है क्या अपने शरीर से खून निकलने की लीला नहीं रच सकते क्या बहुत बड़ी चीज है वेरी सिंपल जब इस पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया इतना बड़ा ड्रामा थिएटर बना दिया जहाँ पे हम सब जीवन भर ड्रामा पर ड्रामा करते रहते हैं तो हल्का सा ड्रामा नहीं कर सकते। अपने शरीर नहीं कौन सी बड़ी चीज है फिर थर्टी नाइन श्लोक में कहते हैं हे hey, प्रभु इस समय भगवान श्री कृष्ण का बहुत खूबसूरत फॉर्म का वर्णन करते हैं जहाँ पे वो भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में याद करते हुए कहते हैं प्रभु आपने सीधे हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है और उल्टे हाथ में लेफ्ट हैंड में आपने घोड़ों को संभालने के लिए रेंस रस्सी पकड़ी हुई है जिससे घोड़ों को संभाला जाता है और सीधे हाथ में आपने छड़ी पकड़ी हुई है जिससे घोड़ो को इंडिकेट करा जाता है उस प्रकार से उस रूप का वर्णन किया हुआ है हे प्रभु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरा आकर्षण आपकी तरफ बढ़ सके और फिर चालीसवें श्लोक में भीष्म पितामह महाभारत और युद्ध के कृष्ण का वर्णन करने के बाद वर्णन कहते हैं कि हे प्रभु आपके सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त गोपीज हैं और यहाँ गोपीज का गुण करते हैं चालीसवें श्लोक में ललित गति विलास वल गुहासा प्रणया निरक्षण कल्पितो रूमाण कृत मनु कृतव्या उन्मदानादा प्रकृति मगन खेल योप यहाँ पे गोपीश के प्रेम भक्ति का गुणगान करते हैं भीष्म पितामा तो प्रश्न बनता है भैया युद्ध में थे सडनली डिटूर क्यों मार लिया वृंदावन का कुरुक्षेत्र एकदम से वृंदावन चले गए क्या मतलब है भाई कर लिखते हैं यहाँ पे कोई ये सभा में बैठे हुए चर्चा नहीं चल रही है जो सिक्वेंशली भीष्म पितामा हरेक लीला को याद करें इमरजेंसी है वो प्राण त्यागने वाले हैं वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान को प्रसन्नता कैसी होती है हैं भगवान को प्रसन्नता होती है भगवान से अधिक भगवान के भक्तों का गुणगान हो तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं कि भगवान के भक्तों का गुणगान हो इसलिए भीष्म पिता में एकदम से गोपियों को याद करके गोपियों का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि प्रभु गोपी से सर्वश्रेष्ठ भक्त इस दुनिया में कोई नहीं है पर इकतालीसवें श्लोक में फोर्टी फर्स्ट श्लोक में भीष्म पितामा यज्ञ उस दिवस को याद करते हैं कि जिस दिवस उस सभा में किस प्रकार है प्रभु आपको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था एंड दिस ऑल हैपेंड इन माय प्रेजेंस एंड आई रिमेंबर दर इंसिम तो आप देख रहे हैं ना भीष्म पिता क्या कर रहे हैं बीच ने अपने जीवन में जो जो भगवान की लीलाओं का दर्शन दिया था उस दर्श लीलाओं को याद कर रहे हैं स्मरण कर रहे हैं और फिर फोर्टी श्लोक में करते हैं हे hey, प्रभु नाउ आई कैन मेडिटेट विथ फुलसेंट्रेशन अपॉन दैट वन लॉर्ड श्री कृष्ण of इन रिगार्ड टू to His इन in everyone's हार्ट में जो विश्वास करते हैं उस सबको नकारते हुए कहते हैं कि मैं उन सब भेदों से मुक्त हो चुका हूँ मैं जानता हूँ कि परमेश्वर भगवान स्वरूप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं वही परमेश्वर है और त्राली स्वयं श्लोक में सुत गोस्वामी बताते हैं भीष्म पितामह इस प्रकार भगवान की आराधना करते हुए प्रार्थना करते हुए एकदम से बोलना बंद कर देते हैं नाउ पिन साइलेंस भीष्म पितामह ये प्रार्थना बोलते ही शांत हो जाते हैं और जैसे ही भीष्म पितामह शांत होते हैं तुला शोक में बताया गया है चौवालिस श्लोक में वर्णन किया जाता है जैसे ही बीसवा पिता मह शांत होते हैं फोर्टी फोर श्लोक में वर्णन है कि कैसे पूरी दुनिया शांत हो जाती है ऐसे की, की हवा ने भी चलना बंद कर दिया हो अगर आप ध्यान दें अगर हम इसमें शांत बैठेंगे तो आपको हवा की भी आवाज सुनाई देगी कैसे जब हवा पेड़ों से हिलती हुई निकलती है पत्ते हिलते हैं तो आवाज सुनाई देती है तो बताया जाता है कि हवा ने भी चलना बंद कर दिया सब ऋषि मुनि सब जो बिल्कुल शांत हो गए And it's a pin -drop silence. इतना pin -drop silence है कि अगर आप आ, स्वी कहते हैं ना नीडल आप नीडल को उठाकर जमीन पे डालेंगे तो उससे जो आवाज निकलेगी बहुत तेज आवाज निकलेगी मतलब इतना याद होगा रात को जब आप सोने जाते हैं जब सन्नाटा हो जाता है हल्की सी आवाज बहुत तेज लगती है तो उस प्रकार से उदाहरण दिया गया है तो क्यों सब जगह सन्नाटा छा चुका है ने अपने प्राण त्याग दिए इस समय उस स्थिति का वर्णन है जहाँ भीष्म पितामा अपने प्राण त्याग चुके हैं और वो भगवान के धाम वापस जा चुके हैं और जैसे ही सबको समझ आया कि भीष्म पितामा ने प्राण त्याग दिए हैं सबसे पहले तो एक शॉक लगा एंड दे ओवरकेम दैट You know, the that have departed, और श्लोक में आता है, भयो नेदुर सभी समस्त देवता गंधर्व आसमान में प्रकट होते हैं और जोर जोर से ड्रम्स बजा अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर और स्वर्ग से सभी अन्य देवी देवता भीष्म पितामा के मृत शरीर पर पुष्प अभिषेक करते हैं और इस प्रकार से उनके डिपार्सर का ग्लोरिफिकेशन होता है उनको ग्लोरीफाई करा जाता है क्योंकि भीष्म पितामह ने अपना शरीर एक साधारण तरीके से नहीं त्यागा है उन्होंने अपने जीवन की सफलता प्राप्त करी है तो प्रोपात तात्पर्य में लेते हैं जो जयंती शब्द है जयंती क्या होती है सेलिब्रेशन किस ओकेशन पे सेलिब्रेशन होती है जिस व्यक्ति के मरने पे राइट हाँ वेल लिखते ओ या जयंती सॉरी होती है महात्मा गांधी जयंती गीता जयंती हाँ बर्थ पे जयंती होती है जयंती सेलिब्रेट की जाती है भगवान श्री कृष्ण जयंती क्योंकि भगवान का जन्म और भगवान की लीलाएं सब ट्रांसेंडेंटल उसी प्रकार से भीष्म पितामा के उसमें कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है तो उसके जीवन को सफल माना जाता है बाकी आम व्यक्तियों के जीवन के लिए जयंती मनाना मूर्खता है उस प्रकार से प्रभुपाद वर्णन करते हैं और फिर छियालीसवें श्लोक में वर्णन आता है को गोसाई बताते हैं कि युधिष्ठ महाराज बीच में पितामा के शरीर को अग्नि लगाते हैं फाइनलाइज करते हैं और कुछ समय के लिए युधिष्ठ महाराज बड़े ग्रीफ स्ट्रिकन हो जाते हैं युधिष्ट महाराज क्यों ग्रीव स्ट्रिकन क्यों दुखी हो जाते हैं उसका उल्लेख बहुत खूबसूरत तरीके से कृपा तात्पर्य में लिखते हैं कि हाँ युधिष्ठ महाराज की जितनी अविद्या थी थी अज्ञानता वो भीष्म से बात करके खत्म हो चुकी है भगवान युधिष्ठ के सामने भगवान श्री कृष्ण अन्य प्रकार के महान महान संत खड़े हैं फिर भी क्यों युधिष्ठ महाराज इतनी बड़ी सभा में क्यों दुखी हुए कारण ये था क्योंकि भीष्म पितामा उनके ग्रेट ग्रांड थे उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के पिता के एब्सेंस में पिता का रोल निभाते हुए पांडवों का बड़ा ध्यान रखा तो इमोशंस को नकारा नहीं जा सकता युधिष्ठिर महाराज के लिए भीष्म पितामह बहुत प्रिय थे और अब भीष्म पितामह का संग से वो मूर्छित हो गए संग लुप्त हो चुका है संग मिलेगा नहीं उस सेपरेशन से दुखी हैं इसलिए दुखी नहीं कि भीष्म पितामह मर गए क्या होगा बेचारे का नहीं इसलिए दुखी हैं क्योंकि अब उनको भीष्म पितामह का संग दोबारा नहीं मिलेगा और फिर से सैंतालीसवें श्लोक में वर्णन आता है कि किस प्रकार वहां पे जो सभी समस्त ऋषि मुनिवर थे वो भीष्म पितामह का गुणगान करते हैं अड़तालीसवें श्लोक में बताया गया है सुत गोस्वामी के द्वारा कि युदिष्ठ महाराज सभी के संग अब वापिस हस्नापुर आते हैं वहां पर भीष्म पितामह के डिपार्चर की खबर बताकर सभी को सांत्वना देते हैं और नित्य राइट फोर्टी नाइन 49, 49 49? बताते हैं क्योंकि अब का जो भाई कहिए या अज्ञानता कहिए जिस प्रकार वो अपना राज नहीं राज धर्म नहीं निभाना चाहते थे क्योंकि वो जो संदेह नष्ट हो गया है भीष्मितामा के द्वारा तो अब यहाँ बताया गया कि कैसे फोर्टी नाइन श्लोक में युद्धिष्ठा महाराज राजा का जो धर्म है वो निभाते हैं राजा बनते हैं और उस प्रकार अपनी ड्यूटीज निभाते हुए ये यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कई उद्देश्य कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉन्सेप्ट का वर्णन किया गया है सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका वर्णन किया गया है वो है हाउ टू फेस डेथ यहाँ देखिए किस प्रकार से ग्लोरियस एक बड़े ही भव्यशाली तरीके से भीष्म पितामा अपने प्राण त्यागते हैं और वही मौका हम सब जीव को दिया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उस ज्ञान का उल्लेख गीता और श्रीमद भागवतम जैसे टेक्स्ट में करके और भक्तों के संग में जब हम इन टेक्स्ट इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं भक्ति के मार्ग का पालन करते हैं तो भगवान की कृपा के कारण हम भी भविष्य में जाकर इस भव्यशाली इस भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं जहां भगवान की कृपा से गुरु की कृपा से अंतिम समय में हम भी भगवान को याद करते हुए प्राण त्यागे तो अंतिम समय में अगर भगवान को याद करना है उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी एम आई ऑडिबल हरे कृष्णा हरे कृष्णा यस हरे कृष्णा प्रभु जी एम आई ऑडिबल Yes, audible. Am I not? I'm not audible. Hi Krishna. Am I audible, Prabhuji? Yes, audible. Mute, mute, mute. Yes, you're audible. What happens suddenly? Am I audible to everyone? Yes, Prabhuji, you are audible. How oh, everyone is able to unmute.

और भगवान भी क्योंकि भीष्म पितामा ने अपना जीवन भगवान की सेवा में अर्पण करा भगवान को जीवन भर याद करा तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु पितामा के अंतिम समय पर विष्णु पितामा को अपना दर्शन देते हैं उनकी इच्छा पूरी करते हैं और उनको भगवत धाम और वैकुंड का वास देते हैं इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था ये सो विद वी कंक्लूड हियर थैंक यू ऑल वेरी मच

तो उनका सजेशन है कि अगर आपकी किसी का कोई प्रश्न है तो आप टाइप कर सकते हैं सो दट इट इजी फॉर टू मैनेज एंड अभिषेक प्रभु कैन यू से क्वेश्चन प्लीज क्वेश्चन question. Hare Krishna. So we'll continue this thing tomorrow because I guess uh, our host is not able to find the questions right now. Yes. Is the act of Duryodhan is will of God? Is the act of Duryodhan will of the Lord? So I would tell this, uh, I would respond in this way to Vinayakru. क्योंकि Vinayakru का hamesha question hota hai लीलाओं ke upar. कि इस व्यक्ति ने कैसे करा क्या करा? So I would make a point in this way जो ये जिन कहानियों का वर्णन शास्त्रों में है जहाँ पर्टिकुलरली भगवान को लेकर जो कहानियों का वर्णन है उस सच्चाई में और हमारी जीवन की जो कहानी है उस सच्चाई में बहुत अंतर है जब भगवान या अवतरित होते हैं तो एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अवतरित होते हैं शिक्षाएं देने के लिए अवतरित होते हैं तो उसमें किसी को डिवाइन और किसी को डेमोनिक का रोल प्ले करना पड़ सकता है पर जहां तक हमारी और आपकी बात है आपके जो कर्म है वो आपकी इच्छा के अनुसार है अगर जैसा आप कर्म करेंगे आपको उस अनुसार फल मिलेगा तो भगवान श्री कृष्ण गीता में साफ साफ कहते हैं कि मैं साधारण रूप से किसी साधारण व्यक्ति के जीवन में कुछ यू नो इंटरफेयर नहीं करता तो जो भी व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है जैसे भी कर्म करता है वो अपनी इच्छा अनुसार करता है और इच्छा अनुसार इच्छा कैसे बनती है इच्छा बनती है उसके संग से और संग की ये जो पूरी कहानी है व्यक्ति ने अपने कैसे प्रकार पिछले जन्मों में कर्म करे हैं उस प्रकार से उसकी मानसिक स्थिति बनती है उस प्रकार से उसके ऊपर तीन गणों का प्रभाव बनता है और उस तीन गणों के प्रभाव में आकर वो व्यक्ति उसी प्रकार का संग पाना चाहता है तो सारांश यह है कि अगर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है उसके लिए सिर्फ एक ही एक ही उपाय है अगर उस व्यक्ति को अगर भगवान के भक्तों का संग मिले तभी वो व्यक्ति जिस प्रकार से वो फंसा हुआ है क्योंकि प्रकार के इस प्रकार इस, का इस, इस, इस आप किसी प्रकार का कर्म करते हैं आपको रिएक्शन मिलती केवल रिएक्शन नहीं मिलती उस कर्म को दोबारा करने की इच्छा मन में जागृत हो जाती है तो व्यक्ति जब गलत काम करता है तो उस गलत काम को एक दलदल की समान बनाया गया है कि उस दलदल में फंसता चला जाता है उसी प्रकार अगर उस व्यक्ति को उस दलदल से बचाना है तो व्यक्ति अपने आप नहीं निकल सकता और व्यक्ति को जब कोई भार दलदल के भार खड़ा होकर रस्सी फेंकता है तो व्यक्ति दलदल से निकल सकता है इसलिए हमारा जो जीवन है हमारे जीवन में तभी बदलाव आता है जब हमारे जीवन में भक्त या हमें भक्तों का शरण मिलता है या साथ मिलता है तब हमें समझ आता है कि जीवन कुछ और भी है और उस प्रकार हमारी इच्छाएं हमारे कर्मों में बदलाव आता है सो दैट इज अल आइडिया हरे कृष्णा एनीथिंग एल्स फ्रॉम Please read out. Hare Krishna, my question is on Sri Dharma. I have heard a pastime where Mirabai wanted to meet Srila Rupa Goswami, and Srila Rupa Goswami mentioned that he does not meet any woman. Mirabai replied that Krishna is the only Kurusha. male. Everyone else is Prakriti. Then Srila Goswami actually met Mirabai. So, how do we understand this pastime? This is a question. Have you pasted that on the chat? Yes, is it? Matthew, was, okay. okay.

जो एक दूसरे को स्त्री और पुरुष के रूप में नहीं देखते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है अगर आप अपने एप्लीकेशन के लिए पूछ रहे हैं तो अगर आपकी मानसिक स्थिति अगर स्त्री पे इस स्तर पे है जैसे मीराबाई के स्तर है जहां आप अपने आप को शरीर के रूप में नहीं देखते हैं फाइन आप बिहेव कर सकते हैं इस प्रकार बट आपको एटलीस्ट इतना तो देखना पड़ेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति जिससे आप व्यवहार कर रहे हैं क्या वो इस चेतना में है या नहीं अगर वो सामने वाला पुरुष अभी भी भौतिक दृष्टिकोण से अभी भी वो अपने आप को शरीर समझता है और शरीर के के उसकी मन के अंदर इच्छाएं हैं और आप उस प्रकार से व्यवहार करें उस व्यक्ति के साथ कि मैं तो शरीर में हूं ही नहीं मैं शरीर के परे हूँ तो स्त्री और पुरुष के अंदर कोई अंतर ही नहीं है किसी भी प्रकार का और ये जो रूल्स रेगुलेशन शास्त्र में बताए गए हैं जो एटिकेट्स का वर्णन किया गया है उसका हमें तो पालन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि अ प्योर डिवोटी एन एडवांस सोल फाइन एक व्यक्ति हो सकता है पर जब आप समाज में रह रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा क्या दूसरा व्यक्ति उस स्तर पर है नहीं है मीराबाई समाज में नहीं रह रही थी ना ही रूपक गोस्वामी किसी समाज के भाग थे रूपक गोस्वामी वृंदावन के जंगलों में रहा करते थे जो हर दिन हर रात अलग अलग पेड़ों की शरण में सोया करते थे वो किसी थ्री बी में अपनी फैमिली के संग नहीं रहा करते थे और दूसरा मीराबाई भी किसी महल में नहीं रह रही थी उन्होंने भी सब त्याग दिया था और इसका हम उल्लेख यहाँ भागवत में पढ़ चुके हैं जब सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही जाते हैं छोड़कर जाते हैं व्यासदेव को और वहां नजदीक में एक लेख में अः कुछ स्त्रियां स्नान कर रही होती हैं और जब व्यासदेव वहां पहुंचते हैं व्यासदेव इज लिटरे गानेशन ऑफ द लॉर्ड व्यासदेव को देखकर सारी स्त्रियां अपने शरीर को ढक लेती हैं क्या व्यासदेव सेल्फ नहीं से वो किस आश्रम में थे में। और के अंदर भेद करना आवश्यक था तो इसलिए स्त्रियों ने अपने शरीर को ढका दैट्स अ पॉइंट व्हाट इज देयर नॉट टू अंडरस्टैंड हमें क्या समझ नहीं आता जब हम शास्त्र से ऐसे एग्जाम्पल को लेकर अपने जीवन में उदाहरण उतारने का प्रयत्न करते हैं बिना समझे क्या हमारा अधिकार है या नहीं एम आई क्वालिफाइड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस ये मेरा अधिकार है भी या नहीं उसको ना समझते हुए ये दिस इज अ बिहेवियर अगर कोई व्यक्ति समझे कि हम समाज में भी रहेंगे पर हम मीराबाई जैसा विवाह करेंगे और कोई पुरुष समझे कि मैं समाज में भी रहूंगा और रूप गोस्वामी जैसा विवाह करूंगा क्योंकि मैं तो शरीर हूं ही नहीं मैं जैसे पुरुषों को आलिंगन करता हूं भक्तों को मिलता हूं तो स्त्रियों को भी आलिंगन करूंगा क्योंकि मैं तो शरीर ही नहीं हूं This is childish. This is, uh, foolishness, precisely speaking. तो हमें समाज के अनुसार आ, हमें शास्त्रों में कुछ सभ्यता बताई गई है उस अनुसार अगर हम जीवन जीते हैं तो उसे केवल यही नहीं मानिए आप भी परे हैं दूसरा व्यक्ति भी परे है तो भगवान श्री कृष्ण भगवदगीता में क्या कहते हैं तीसरे अध्याय में एग्जाम्पल सेट करने के लिए अर्जुना तुम हो सकता है कि तुम पूरे अनाउंसड हो सब कुछ छोड़ सकते हो तुम्हारा उदाहरण देखकर जो लोग अभी रिनाउंस नहीं है वो उसको इमिटेट करेंगे तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुम कृपा करके अपना धर्म निभाओ तो इसलिए हमें दोनों नजरिए से जो शास्त्र में जो एटिकेट्स बताए गए हैं उसका पालन करना चाहिए एटलीस्ट जो अब डिवोटीज बन चुके हैं जो कई सालों से भक्त समाज से जुड़े हुए हैं और जो दीक्षित हो चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है उनसे उपेक्षा उनसे उम्मीद करी जाती है कि वो अह uh, अह uh, संस्कृति को समझते हुए उस प्रकार से संस्कृति का पालन करते हुए विवाह करें तभी वो भक्त के समाज में ढंग से रह पाएंगे हरे कृष्णा इज दैट आई होप आई कुड आंसर यू मे से समथिंग यस और नो एनीथिंग एल्स अविशेक या क्वेश्चन टू इज दैट कि एवरी डू आई नीड टू गिव यू द माइक और दे कैन सी द क्वेश्चन ओके ओके प्लीज क्वेश्चन टू इज every rule has an exception according to time place as time place and circumstances can this general principle be adapted please can you explain this aspect so explain the question i have already answered that what is next uh, next question shila prabhupad mentioned that for the purpose of seva interaction is allowed and according to the abilities interest of the devotee the devotee can engage in seva according to who inspires him or her

अब जो वेस्टर्नस स्थिति थी जब शिला प्रभुपात ने मूवमेंट को स्टार्ट करा था वो स्थिति अलग थी अभी हमारा मूवमेंट काफी मैच्योर हो चुका है और अगर हमें वातावरण को शुद्ध रखना है वातावरण को भगवान के ऊपर केंद्रित रखना है तो इसलिए हमें शास्त्र में दिए हुए जो इंस्ट्रक्शंस है उसका पालन करेंगे तो उसी प्रकार हम अपने मन को और वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं तो जैसे बताया गया है सीधी सी बात है कि अगर आपको सेवा के लिए भी अगर आपको चर्चा करनी है इट्स बेस्ट नॉट टू हैव टू मच इंटरेक्शन आप फर्स्ट देर शुड नॉट बी एनी प्राइवेट इंटरेक्शन यू कैन हैव अ पब्लिक इंटरेक्शन आई एम स्पीकिंग पर्टिकुलरली बिटवीन ऑपोजिट जेंडर स्त्रियों के स्त्रियों के बीच में पुरुषों के पुरुषों के बीच में कोई मतलब नहीं है बट ऑपोजिट जेंडर के बीच में आपको जो भी इंटरेक्शन होना चाहिए इट्स बेस्ट इफ इट इज इन अ पब्लिक फोरम इससे चीज साफ रहती है uh, मतलब इज अ क्लियर कम्युनिकेशन और कुछ भी गलत फैमिली होने की चांसेस कम रहती हैं पर्टिकुलरली अगर कोई व्यक्ति ऑर्डर के व्यक्ति से आ, इस प्रकार से यू नो शरण ले रहे हैं या टेकिंग अ वुमन आल्सो टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड सेंसिटिव डीलिंग ऑर्डर वाई बिकॉज यू द प्रोटेक्शन ऑफ दैट रिनाउस ऑर्डर कि समाज के लोग उसके बारे में क्या कहेंगे कि अगर देखा किसी व्यक्ति ने कि ये तो बहुत ज्यादा अधिक एक दूसरे से चर्चा करते हैं थिंक ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और रही बात इंस्पिरेशन की हमारी विद्या शैली कहिए या संस्कृति कहिए उसके अनुसार इंस्पिरेशन कैसे मिलती है इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम वाणी बाय हियरिंग एंड अगर मौका मिलता है तो हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं और कभी मौका मिलता है तो सेवा भी कर सकते हैं बट uh, सेवा का मौका सबको मिलता है नहीं मिलता वो बहुत कहना मुश्किल है क्योंकि शिला शिलाप्रभुपात के जीवन में भी देखें यू you नो know, कितने शिला को डू सर्विस डायरेक्टली तो इस प्रकार उस प्रकार से आ, ये समाज बनाया गया है उस प्रकार से फंक्शन अलोंग विद अनदर मैन अगर आप रिनाउंस ऑर्डर से डील कर रहे हैं इट इज बेस्ट

Or else we have got uh, uh, another senior Grihastha. Through them, the discussion can happen. So, as a renounced order, person can focus on his services in a renounced order and stay stable in the renounced order. Askal renounced order, stable, but I unstable. So, it's not an easy thing. This is Kali Yuga. So, you have to understand the what is a ground reality.

उस कम्युनिटी में किस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन बनाए गए उसका पालन करते हुए आप सेवा करेंगे आप भी खुश रहेंगे वहां के बाकी भक्त समाज जो है वो भी प्रसन्न रहेगा तो उसके कारण आप भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे और बाकी लोग भी अपने जीवन में संतुष्ट रहेंगे हरे कृष्णा थैंक यू थैंक यू इन सेवा इन स्पाइट ऑफ नो पर्सनल सेवा while there are opportunities to please the teacher even without personal association and seva can a person choose to attend a zoom class over the class that he or she has been attending for a long time now does that cause any kind of vaishnav apradh because one is not able to attend two classes and by pleasing the teacher even though the even though long distance and not personal association can a person advance in spiritual life and get more taste and devotion yeah yeah as i said

So when we have that opportunity to inquire up communication medium with that kind of communication always happen. So but what point I'm saying is better than having a telephonic conversation, a private conversation, uh, either if it is with an opposite gender, that communication can be raised by the husband. If it is too confidential too private, those have a senior mother or senior mataji in the forum, नीड ऑफ दैट पर्टिकुलरली स्टूडेंट इन दम्युनिटी और अगर आपको वो भी सांत्वना ना मिल रही हो सो दट सीनियर कपल जो कि उस ग्रुप के लीडर ने जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वी है आपको फिर भी उनके संतुष्टि नहीं मिलती है इट इज एक्चुअली देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर एंड डिस्कस यू नो वॉट शुड बी द गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट and that guidance can be given back to the student at least it's the same thing now nah? you may not be getting an opportunity to meet in person but it's the same thing but culture has to be followed uh, what i'm trying to indicate is we have to minimize any kind of private communications that has become a big 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 trouble and a challenge in the kali yuga in the means of communication are available today uh, we have to stick to the basics and the foundations

प्रोपर विस्तार रूप से श्रीमद भागवतम के तात्पर्य में बताते हैं पुरुष और स्त्री का संबंध किस प्रकार से होना चाहिए तो तो इसलिए उसको समझते हुए हम जानते हम जानते हैं हैं किस शरीर में तो उसी प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए और उससे वातावरण भी शुद्ध रहता है खुद का मन भी शुद्ध रहता है एम वी कैन रिमेन प्रोग्रेसिव मैं ये नहीं कह रहा कि आपके मन में या किसी के मन में विकार है हो तो सकता है आपके मन में विकार ना हो जो टीचर है उसके मन में विकार ना हो पर समाज के मन में विकार आ सकता है अगर हम जो शिला प्रभुपात के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन पालन ना करते हुए अगर मेल बना के रखते हैं तो समाज वाले फिर उसमें दोष निकालेंगे और फिर प्रजलपा होता है फिर अनाप शनाप बातें होती हैं तो इससे सिर्फ वातावरण दूषित होता है तो बेस्ट इज टू फॉलो अस्टम होल थिंग इफ इट इज अंग्रीगेशन लेट अनदर सीनियर कांग्रीगेशन डील पर्सनल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स If it is very confidential, and if it is something which can be discussed by a couple, husband-wife together, uh, if in case you are talking about a renounce order, then it is always there. You can always approach the renounce order along with the husband, but not otherwise. That's the point. And when it comes to a personal problems, um, His Holiness Radhanath Mahaj makes it very clear. Still you know because a male have no experience of what happens with the female psychology particularly a renounced order doesn't have any idea of woman class philosophically psychologically i can give you long classes on that but their day-to-day -day challenges are only understood by a man who lives with them similarly vice versa so it's best if a senior gurushtha addresses their day-to-day -day challenges if it is not philosophical Day to day challenges and troubles that they face, even in their married life, in their personal life, because the similar couple have gone through that challenges. So that's how these things can be resolved. These are my thoughts based on what I have heard from seniors, from my spiritual master, and what I have read in Srila books and understood. And I strongly believe in it. And I wish to strongly establish this culture sooner and gradually at our Hinjavadi Forum also. Because now our forum also have become quite stable. We are not only in the growing stage. There are people now ready for taking initiations. So they have to be taught these things properly. So Hare Krishna. Shila Prabhupada Ki Jai.